इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस इन्वेंशन की मैक्सिमम इंस्पिरेशन नेचुरल सोर्सेस से होती है। दुनिया भर में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वे सभी कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्सेस से इंस्पायर्ड थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल सोर्सेस के बारे में जिससे मोस्टली ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन इंस्पायर्ड है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं स्पाइडर के बारे में। 8 पैरों वाला यह जीव हर जगह आसानी से पाए जाते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी से कई इन्वेंशन इंस्पायर्ड थी। तो चलिए जानते हैं साइंस की दुनिया की टॉप 10 इन्वेंशन कौन कौन से हैं जो स्पाइडर से मोस्टली इंस्पायर्ड है। नंबर 1, बायो स्टील फाइबर, एक हल्का और मजबूत फाइबर। जेनेटिकली इंजीनियरिंग और बैक्टीरिया द्वारा रेशम के प्रोटीन का उपयोग कर स्टील से 5 गुना अधिक मजबूत और हल्का बायो स्टील फाइबर बनाते, जिसका उपयोग एयर स्पेस उद्योगों में और स्पोर्ट्स में होते हुए आप अपने आंखों से देख रहे होंगे। नंबर 2, बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट्स। आमतौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट या वेस्ट में केवलर का उपयोग किया जाता, लेकिन स्पाइडर सिल्क को केवलर से 5 गुना अधिक प्रभावी पाया गया, जो हल्का और मजबूत दोनों है। इसलिए अब बुलेट प्रूफ क्लॉथ में स्पाइडर सिल्क का उपयोग होने लगा है। अब आगे बढ़ते हैं। स्पाइडर ड्रोन्स मानव रहित हवाई वाहन है, जो मकड़ियों के चलने और अन्य तरीके को नेविगेट करके दीवारों और छत पर क्रॉल कर सकते हैं, जिसे स्पाइडर ड्रोन्स कठिन से कठिन जगह को निरीक्षण करने में उपयोगी साबित हो रहे हैं और ऐसे जगह पर जा सकते हैं जहां पर आम इंसान नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं एडेसिव टेप के बारे में। एडेसिव टेप आप लोग सभी देख रहे होंगे। यह टेप छोटे छोटे बालों का उपयोग करता है, जो स्पाइडर के पैरों के बाल के समान होता है। एडेसिव टेप का उपयोग अपने आसपास होते हुए आपने देखा ही होगा, चीजों को चिपकाने के लिए किया जाता है और भी कई यूज इसके होते हैं। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मेडिकल पैच। ये पैच स्पाइडर सिल्क का उपयोग लचीली और सांस लेने वाली सामग्री को बनाने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग दवा से लेकर डायबिटीज और हार्ट डिजीज को पहचानने के लिए किया जाता है। नंबर 6, स्पाइडर वेब वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। कई विकासशील देशों में स्पाइडर वेब से बनी जालों का उपयोग दूषित पदार्थों को पानी से हटाने के लिए किया जाता है। ये तरीके स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का इको फ्रेंडली माध्यम बनता जा रहा है और बहुत जल्द हमारे देश में भी इसका उपयोग किया जाने लगेगा। अब बात करते हैं प्रोस्थेटिक लेग के बारे में। प्रोस्थेटिक लेग बनाने के लिए स्पाइडर सिल्क का उपयोग किया जाता है, जो एक हल्का और टिकाऊ प्रोस्थेटिक लेग को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। प्रोस्थेटिक लेग यानी कि कृत्रिम पैर, जिसके लिए स्पाइडर सिल्क का उपयोग काफी ज्यादा किया जा रहा है। अब बात करते हैं जो आपको काफी बेसब्री से इंतजार होगा, बुलेट ट्रेन के बारे में। यह ट्रेन किंगफिशर पक्षी और स्पाइडर से इंस्पायर्ड है। बुलेट ट्रेन की सतह स्पाइडर की पानी को पीछे हटाने की क्षमता से प्रेरित एक विशेष कोटिंग में कवर किया गया, जो ट्रेन को 200 माइल पर आवर की यात्रा करने के लिए अनुकूल बनाती है। इसके अलावा मेडिसिन और मेडिकल सेक्टर में काफी ज्यादा यूज होता है स्पाइडर से इंस्पायर्ड प्रोडक्ट की। जैसे हार्ट डिजीज को लेकर पुराने दर्द तक कई प्रकार के दवाइयां मकड़ी के जहर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट्स भी स्पाइडर से इंस्पायर्ड हैं। अब बात करते हैं एक सुरक्षा कवच के बारे में, जिसे एग्जॉस्ट स्केलेटन कहते हैं। यह एक कवच की तरह उपयोग किया जाता है, जो स्पाइडर के स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, जो सपोर्ट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करता है। तो इस तरह से स्पाइडर काफी ज्यादा उपयोगी हुआ है हमारे नए नए इन्वेंशन के लिए। हाई स्पीड ट्रेन से लेकर लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रीटमेंट तक स्पाइडर लगातार हमें इंस्पायर करते आ रही है। तो अगली बार जब भी आप किसी मकड़ी को देखें, तो उस अविश्वसनीय प्राणी के बारे में कुछ सराहना भरे शब्द जरूर कहें। कौन जानता है आने वाले समय में कौन सा नया इन्वेंशन स्पाइडर से इंस्पायर्ड होगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेचुरल मोटिवेटर।